Hey, what's up, dude? This is आदिवासी boy अश्विन खलखो. Welcome to my YouTube channel, dude. तो भैया good morning, from घाघरा. तो आज का morning घाघरा से हो रहा है और मैं जा रहा हूँ घर मोहलाड़ की तरफ. तो बाकी रांची चलो. रांची से मैंने वीडियो स्टार्ट करा था, वहाँ से आया यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो चलो यार आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सुबह निकल गया अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे पहुंचना है जल्दी में और काम सब है यार, अपना ऑफिस वाला काम सब है तो अब्सेंट नहीं कर सकता. तो मैं निकल पड़ा हूं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिन के बाद मॉर्निंग राइड हो रहा है. जैसा मैं लॉन्ग टूर जाता हूँ तो इतना मॉर्निंग में निकल जाता हूँ कहीं भी तो अच्छा लगता है, खाली खाली और भगाने में भी मज़ा आता है. सुबह इतना बड़ा बड़ा गाड़ी देख रहे हैं, अरे भाई मेरे को लगा खाली होगा, लेकिन इतना सुबह में भी भीड़ रहता है. सुबह कांडे टोली चौक में जाम. तो काफ़ी दिन के बाद एक अलग ही खुशी लगता है अपना कॉलेज को देख के. ये है भाई अपना कॉलेज, वो दिन भी क्या दिन थे. कॉलेज लाइफ एक बार आता है, अब दोबारा नहीं मिलेगा. ये है अरगोड़ा चौक, मस्त टाइप से खाली खाली है. रांची से मैं घर जा रहा हूँ और मेरे पास है 3 घंटा. 3 घंटा में मुझे अपना ऑफिस पहुँचना है और मुझे अभी काफ़ी दूर सफ़र तय करना है. अभी तो मैं रांची से निकला ही हूँ. ओए पागल आदमी, अब अच्छा खासा 4 लेन से सिंगल लेन में आ गया, मतलब अभी बन ही रहा है, ये भी 4 लेन ही है लेकिन उस साइड को काम चल रहा है. तो गाड़ी जितना भी है सब इधर ही से आ रहा है. अचानक से कुत्ता जाता है यार, अभी मेरा ये 3री बार हो रहा है कि कुत्ता को मैं बचाया हूँ. घाघरा यहाँ से 55, नेत्रहाट 110. तो गाइस मैं इतना मेहनत करता हूँ यार, आप लोग मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, कर दो यार. बहुत जल्द अभी मेरा 3K होने वाला है सब्सक्राइबर, तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी फल्दी जाके पूरा करवा दो. अरे ये भाई साहब लोग रास्ता को क्यों तोड़ रहा है यार, गजब आदमी लोग अपना पाइप पार करने के लिए रास्ता तोड़ देगा, फिर यही एक वजह हो जाएगा एक्सीडेंट होने का. तो मैं लोहरदगा पहुंच गया और एग्जैक्ट 7 बज रहा है, तो मेरे पास टाइम बचता है 1.5 घंटा. अरे हट जा भाई, बीच में रोक दिया सर. चेन फिर से बजने लग गया, चेन लूप करना पड़ेगा आगे रुक के कहीं पर. तो चेन कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लग गया है, तो ये हम पकड़े हैं चेन लूप, तो चलो कर लेते हैं. साफ तो हम सुबह में ही कर लिए थे, ले बस अभी चेन लूप करते हैं. कल पापा फ़ोन किया था और बताया कि हम लोग साइड में बहुत ज़्यादा बारिश था, यानी संडे इतना भयानक बारिश ना कि हमारा गांव का कुछ सामान नुकसान कर दिया, हम लोग का स्टेप लेजर उड़ गया,
हम लोग का नहीं, बहुत लोग का स्टेबलाइजर गया और किसी किसी का टीबी गया, तो किसी किसी का वायरिंग सब खराब हो गया। मतलब समझ रहे हो कितना जोर से था होगा। और अभी मुझे जाके सबसे पहले वही चीज़ ठीक कराना होगा, नहीं तो मोबाइल चार्ज करने के लिए सब बहुत दिक्कत होगा। तो भाई अभी 7:25 हो रहा है और मैं घाघरा पहुंच गया। थोड़ा सा रुका हुआ था इसलिए लेट हो गया, नहीं तो और जल्दी पहुंचता। अब देखो मेरे पास है और 1 घंटा है। अरे हट भाई। अच्छा आज सोमवार है और सावन वाला यहाँ पूजा किया जा रहा है। आज इतना धुंध है ना कि यहाँ से जो सामने पहाड़ दिखता था वो सब भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि मेरे राइट साइड में देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला ज़्यादा करीब है पहाड़, लेकिन ये भी नहीं दिखाई दे रहा, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। 42 किलोमीटर नेत्रहाट। 8 बज गया और मैं बनारी पहुँच गया। सोचा था कि अगर भूख लगे तो यहाँ बनारी में कुछ खा लूँगा, लेकिन यार भूख ही नहीं लग रहा है। तो नेत्रहाट वादियों से आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बाइक वाला भी पार हुआ, वो रेनकोट पहना हुआ है और भीगते हुए आया इधर। मतलब आगे बारिश है, कुहासा वाला दिखना स्टार्ट हो गया भाई। आप लोगों को पता चल रहा कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कुहासा है। तो आ रहा था मैं नीचे, टेम्परेचर कितना था उसका पता नहीं, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ 27 है। मतलब वैसा ठंडा नहीं है जैसा दिसंबर जनवरी में लगता है, लेकिन लग रहा है भाई। वाह ये है कुहासा। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल कितना मस्त लग रहा है यार। देख रहे हो पूरा कुहासा कुहासा भाई, मजा आ जा रहा है यार। ओहो कभी भी आप राइड करो तो कैमरा लगा के चला करो, तब क्या हो जाए किसी को क्या पता। देख रहे हो भाई वाव, एक नंबर व्यू। सामने से गाड़ी आ रहा है और मैं फोग लाइट अपना जला लिया हूँ। बाप रे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कुछ नहीं। लाइट जला के आ रहा है इसलिए सामने गाड़ी पता चल रहा है। आप ही बताओ क्या दिख रहा है आपको भाई, कितना मजा आ रहा है यार। मॉर्निंग राइड करने में मेरा डिसीजन अच्छा रहा भाई। मेरा ब्लैक वाइजर भी है, ब्लैक वाइजर को मैं लगा रहा हूँ तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं खोल के चला रहा हूँ। और ये है कि थोड़ा थोड़ा ओस, मतलब क्या बोले ना, ओस पानी गिर रहा है वो वाला है। लोग खड़े हैं वो भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा ऐसा ओस कहां तक है, कहीं हमारे महुआडार में भी तो नहीं ऐसा। यार मेरी फीलिंग का समझो, समझो भाई समझो। लग रहा है ना कि कहीं मैं दूर दराज आया हुआ हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। और घर जाने का रास्ता इतना मस्त हो तो मजा ही आ जाएगा यार। मुझे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूँ। कुहासा इतना था ना कि मैं चला नहीं पा रहा था वैसा में। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो चलो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 15-20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वातावरण क्लियर होते जा रहा है। तो अभी मैं उतर रहा हूँ कुरुंद घाटी, और मौसम अपडेट बता दूँ वैसा ही है। पहाड़ पर्वत कुछ नहीं दिख रहा है, बस सामने दिख रहा है। वैसा कुहासा नहीं है जैसा नेत्रहाट में था। तो फाइनली मैं मोहाड़ पहुंच गया। अभी 9:10 बचा हुआ है, तो फटाक से जाता हूं अपना दफ्तर पहुंचता हूं और अपने काम पे लग जाता हूं। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।
जोहार झारखंड। बूम।